हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नंद कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिस्टा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कीबोर्ड के बारे में जो बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव कीबोर्ड है। जी दोस्तों, आपको बहुत ही पसंद आएगा जी, ज़बरदस्त कीबोर्ड है। क्योंकि इस कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे फॉन्ट दिए हुए हैं, एक से बढ़कर एक ऐसा लुक्स दिया हुआ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस कीबोर्ड को कैसे डाउनलोड करना है, ये एक तरह का एक फैंसी कीबोर्ड है दोस्तों। जैसे कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो जैसे फैंसी के आप शौकीन हैं, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो आप फैंसी रूप में टाइप करना पसंद करते हैं, तो आपको इस कीबोर्ड में एक से बढ़कर एक बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इसको इस कीबोर्ड को अपने हिसाब से बहुत ही अट्रैक्शन बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं और बहुत ही इसको आकर्षक बना सकते हैं। अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज सेटिंग करके आप इसको और भी इसमें अट्रैक्टिव पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है, बहुत ही अट्रैक्टिव कीबोर्ड है। इसको आपको यूज करके आज बताऊंगा कि आपको कैसे इसको यूज करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर के सर्च बारे में आप टाइप करेंगे फैंसी कीबोर्ड। तो दोस्तों, सबसे ऊपर में यही कीबोर्ड नज़र आएगी, इसको आप अच्छे से पहचान लीजिए। इसका इंटरफेस ऐसा नज़र आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है ताकि आपको बताने में दिक्कत ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। जैसे इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इस कीबोर्ड का जो लुक्स है ऐसा नज़र आएगा। इसमें से अपने हिसाब से आप कोई भी कीबोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड नज़र आएंगे, इसमें से किसी भी कीबोर्ड को आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वाला ही सेट कर देता हूँ, यहाँ पे पहला वाला सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाके इसको डाउनलोड करके इसको आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हॉट दिया हुआ है, इसमें आप किसी भी हॉट जो नज़र आएगा, मतलब बहुत सारे कीबोर्ड यहाँ पर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर माइन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है माइन का मतलब हुआ कि यहाँ पे पहले जो ऑफिशियल कीबोर्ड है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में जो सेट रहता है, वो यहाँ पे ये कीबोर्ड सेट रहता है डिफ़ॉल्ट में। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके किसी भी कीबोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसको टच करेंगे। टच करने के बाद सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर आपका कोई भी यहाँ पर किसी भी कीबोर्ड को आपका लुक्स जो है डाउनलोड कर लेगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर में भी कोई भी कीबोर्ड यहाँ से डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसको आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है, कैसा इसका इंटरफेस नजर आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, व्हाट्सअप ओपन करके दिखाता हूँ इसका जो, देख लीजिए इसका पहले मैं आपको व्हाट्सअप दिखाता हूँ ओपन करके। यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है जो मैसेज लिखने के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये कीबोर्ड जो है ऐसा नज़र आएगी। तो इस कीबोर्ड का जो लुक्स है देख लीजिए, ये किस तरह से नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव कीबोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप टाइप करेंगे, आराम से यहाँ पर टाइप हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको आप सरकार के यहाँ पे कुछ भी ऐसे घुमा के लिख सकते हैं, यहाँ पे पेडेट में लिख सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन है, और यहाँ पे आप जाके यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सेटिंग भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कुल फ़ॉन्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, किसी भी फ़ॉन्ट को जिस फ़ॉन्ट में आपको लिखना हो वहाँ पर उस फ़ॉन्ट को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस फ़ॉन्ट में लिखना है तो ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ। देख लीजिए मेरा जो कीबोर्ड है, देखिए किस तरह का यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है किस तरह से हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे किसी भी हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जाएंगे सीधे फ़ॉन्ट कुल फ़ॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे कुल फ़ॉन्ट कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से, हिंदी इंग्लिश या किसी भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप फ़ॉन्ट को लिख सकते हैं। एंड आप यहाँ पर जाके अपने यहाँ पर इमेज कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे आपको फूल फ्लावर्स कलर दिए हुआ है। एक से बढ़कर आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, सेटिंग में जाके आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे जाके। और गिफ्ट यहाँ पे डालना है तो आप गिफ्ट डाल सकते हैं, दिल हार्ट हाय हेलो, और यहाँ पे आप पंजा का फ़ोटो डाल सकते हैं, नो यस कोई भी चिन्ह डाल सकते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है गुब्बारा का फ़ोटो डाल सकते हैं। यानी यहाँ पे बहुत से एक से बढ़कर एक यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, आप एक से बढ़कर एक अट्रैक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे अपने फ़ोन में। हाय हेलो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल डाल सकते हैं, जो फूलों से लदा हुआ स्टाइल डाल सकते हैं, फ्रेंडशिप वाला स्टाइल और लेडीज़ वाला स्टाइल, यहाँ पे फूलों से भरा हुआ हार गुच्छा, और बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ, मैं आपको पूरा नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा यहाँ पे अट्रैक्शन दिया हुआ है, आप किसी भी हिसाब से आप किसी भी स्टाइल को फ़ॉन्ट को यहाँ पर डाल सकते हैं।
एंड यहाँ पे जाएंगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, वॉइस इनपुट, यहाँ पे वॉइस इनपुट पे आप क्लिक करके आप कोई भी चीज़ मुँह से बोलेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख देगा। तो ये हो गया फंक्शन यहाँ पे, और दिखाता हूँ आपको और बहुत सारे यहाँ पे ट्रांसलेटर का ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांसलेटर कर सकते हैं। यदि आप कोई चीज़ हिंदी में लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट करेगा। आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट लैंग्वेज पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और इधर मैं सामने की ओर यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे सामने की ओर मैं फ्रॉम की ओर यहाँ पे देख लीजिए, बता देता हूँ आपको। ट्रांसलेटर में जाके इंग्लिश टू यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जी हाँ दोस्तों हिंदी आ गया। यहाँ पे कोई भी वर्ड हम इंग्लिश में टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं लिख दिया हूँ हेलो, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो इसको देखेंगे कि हाँ हमारा ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल पहले चेंज कर लेते हैं, नॉर्मल में रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नमस्ते, NAMASTE, नमस्ते लिख दिया। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा गया नमस्ते। हेलो लिख देता हूँ, यहाँ पे हेलो लिखा गया। अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे टेक्निकल, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा गया टेक्निकल। तो इस तरह से इस फ़ॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं, यानी कि इस कीबोर्ड में आपको एक से बढ़कर एक सेटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग दिया हुआ है, ऑक्सम स्प्रे थीम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप कोई भी थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे इस कीबोर्ड को आप रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ दोस्तों, यह कीबोर्ड आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस कीबोर्ड को यूज करके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। इस कीबोर्ड को यूज़ करके आपको बहुत ही खुशी मिलेगी, आपको बहुत ही इंजॉय मिलेगा। इस कीबोर्ड में आपको एक से बढ़कर एक सेटिंग दिया हुआ है, बहुत ही आपको पसंद आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस कीबोर्ड को आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिखेगा घंटी के आइकन, उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसा लेटेस्ट जानकारी आपको प्रदान करूं तो उसकी आपको खबर सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस नमस्कार, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।